hello students question number 46 mosby and clark series mcq and welcome again subject name is psychiatry edition 19 and let's start a latino american client with schizophrenia admitted to an emergency crisis unit in an aggravated and disheveled state after failing to take prescribed medications for the last 5 days when developing a plan of care that incorporates the client cultural background the nurse gives priority to first inclusive of family in the client's plan of care second the client needs to control personal and social space थर्ड द मीनिंग एंड अटेंशन द क्लाइंट प्लेसेज ऑन द फ्यूचर फोर्थ सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन रिगार्डिंग हॉस्पिटलाइजेशन एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लें एक एक बार और ऑप्शन को पढ़ लें एलिमिनेट करें और जो मोर ऑथेंटिक आंसर आपको लग रहा है उसे लाइव चैट विंडो में जरूर डालें आपका समय शुरू होता है अब क्वेश्चन लेंदी है बट मीनिंग समझें मीनिंग को समझने की कोशिश करें एलिमिनेट करें एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए जल्दी से ऑप्शंस को पढ़ें आराम से देखिए क्वेश्चन बड़ा जरूर है बट सोचिए एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन को जल्दी से समझेंगे क्योंकि देखिए इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में नहीं आते हैं क्यों नहीं आते हैं उसका एक रीजन है मैं आपको बताता हूँ आपको यहाँ पे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है लेटिनो अमेरिकन क्लाइंट अमेरिका उसमें भी फिर डिवाइडेशन लेटिना या लेटिन और अलग अलग तरह के कल्चरल डिवाइडेशन इन्होंने बताए हैं तो जो क्वेश्चन कल्चरल स्पेसिफिक होते हैं उनके बारे में ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को पता नहीं होता है तो अब कल्चरल कल्चरली अमेरिकन क्लाइंट जो कि लेटिनो से जुड़े हुए हैं दो तरह के होते हैं मैंने इसके बारे में पढ़ा था लेटिनो अमेरिकन एंड हिस्पेनिक अमेरिकन तो लेटिनो में ब्राजील वगैरह ये कंट्री आती हैं, जबकि हिस्पेनिक में स्पेन वगैरह ये आते हैं तो यहां पर ये कल्चरली स्पेसिफिक हो गया मतलब एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ऑल ओवर द मेरे या आपके लिए ये क्वेश्चन नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए ये क्लाइंट नहीं है यानी अमेरिकन क्लाइंट है जिसको क्या रोग है है एडमिटेड हुआ है इमरजेंसी वार्ड में और हमारी क्राइसिस यूनिट में एंड एन, एन भड़का हुआ दिखाई दे रहा है है का मतलब होता है, आ, गंदा रहन सहन या हम कह सकते हैं तो एग्रावेटेड भड़का हुआ और डिसविल्ड स्टेट में आफ्टर फेलिंग टू तो टेक प्रेस्क्राइब मेडिकेशन और वो दवाइया नहीं खा रहा है प्रेस्क्राइब मेडिकेशन नहीं खा रहा है कितने दिन से नहीं खा रहा है पांच दिन से वो नहीं खा रहा है प्लान डेवलप करते समय क्लाइंट का प्लान जब नर्स डेवलप करेगा तो किस चीज को प्रायोरिटी देगा जो कि उसके कल्चरल बैकग्राउंड से रिलेटेड हो ऐसी प्रायोरिटी इन चारों में से क्लाइंट का प्लान जब हम बनाएंगे नर्सिंग प्लान तो नर्स क्या प्रायोरिटी देगा जो उसके कल्चरल बैकग्राउंड से रिलेटेड हो देखिए सोशियो इकोनॉमिक कंसीडरेशन रिगार्डिंग हॉस्पिटलाइजेशन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और हेल्थ केयर प्लान कुछ रेलेवेंट सा ऑप्शन नहीं लग रहा तो सबसे पहले हम इसी ऑप्शन को हटाते हैं कि नर्स प्रायोरिटी देगी उसके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को यह कल्चरली रिलेटेड नहीं कर रहा आगे चलते हैं अब हमारे पास तीन ऑप्शन बचे हैं अगर आपने अभी भी आंसर सेलेक्ट नहीं किया है तो आप आंसर बता सकते हैं अगला है हमारा द क्लाइंट नीड्स टू कंट्रोल पर्सनल एंड सोशल स्पेस देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं जिससे सीधे आंसर क्लियर हो जाएगा कि लेटिनो अमेरिकन जो होते हैं लेटिन अमेरिकन दे हैव स्ट्रोंग फैमिली बॉन्डिंग अब आंसर एकदम क्लियर है लेटिन अमेरिकन दे हैव स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग दे वर्क ऑन द प्रेजेंट फैमिली बॉन्डिंग नॉट द फ्यूचरिस्टिक। देखिए यहां यहाँ क्या लिखा हुआ है द मीनिंग एंड अटेंशन देंगे द क्लाइंट प्लेसेस ऑन द फ्यूचर फ्यूचर के लिए क्लाइंट के लिए क्या क्या हम अटेंशन बना सकते हैं क्या उसके महत्व तो है उस पर हम नर्स जो है प्रायोरिटी देगा फ्यूचर पर नहीं ये प्रेजेंट पर और क्लाइंट नीड्स टू कंट्रोल पर्सनल सोशल स्पेस लेटिन अमेरिकन सोशल स्पेस को या गैप को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं मैंने हिंट बता दिया है आपको स्ट्रोंग फैमिली बॉन्डिंग इनमें होती है तो ये भी आंसर नहीं है नर्स एक लेटिन अमेरिकन क्लाइंट का नर्सिंग केयर प्लान बनाते समय कल्चरल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए उसे प्रायोरिटी देंगे कि उसके फैमिली मेंबर्स को भी उसके प्लान ऑफ केयर में इंक्लूड कर लेंगे इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है एक तो ये हमारे नर्सिंग पर, पर एग्जाम में नहीं आएंगे दूसरा अगर आपको ये हिंट याद रह गई जो जो मैंने है कि कि तो आप आंसर लगा सकते हैं को भी प्लान में इंक्लूड करने के लिए कह रहा है आंसर है फर्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कौ नंबर फोर्टी सेवन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके सामने थर्टी ईयर ओल्ड वूमन इज ब्रॉड टू द लोकल कम्युनिटी हॉस्पिटल बाई ए फैमिली मेम्बर बिकॉज वुमन हैज़ बीन एक्टिंग स्ट्रेंज वेन द नर्स असेसेज द क्लाइंट विच स्टेटमेंट मीड्स इन्वॉलेंट्री हॉस्पिटलाइजेशन आगे देखिएगा सलेक्ट ऑल दैट अप्लाई सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई आई क्राई All the time I am so depressed, I would like to end it all with sleeping pills. The voices say it is okay for me to kill all prostitutes. My boss is always picking on me and it makes me angry. Sochi and time starts now. सोचिए एलिमिनेट कीजिए और ये जरूर ध्यान रखिएगा सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई एक से ज़्यादा आंसर पर आपको टिक लगाना है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जल्दी से फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ सोच लीजिए चार ही ऑप्शन है वैसे आसान है शुरू करें आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन समझ लेते हैं और मेरे समझाने के दौरान भी आप आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं थर्टी ईयर्स ओल्ड वुमन है जो कि लाए गए हैं हॉस्पिटल में किसके द्वारा फैमिली मेम्बर के द्वारा क्योंकि वुमन क्योंकि वुमन हैज़ बीन एक्टिंग स्ट्रेंज अजीब व्यवहार वो दिखा रहे हैं नर्स ने असेस किया इस क्लाइंट को और इन चारों में से वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिससे इस क्लाइंट को इनवॉलेंट्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कंसिडर्ड किया जा सकता है इनवॉलेंट्री आपने एडमिशन डिस्चार्ज प्रोसेस सुना होगा वॉलेंट्री एडमिशन इनवॉलेंट्री एडमिशन ये सब आपने सुना होगा तो इनवॉलेंट्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कंसिडर्ड कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जिससे इस क्लाइंट को Uh, किया जा सकता है क्योंकि फैमिली मेंबर तो ये बोल रहे हैं कि ही शी इज़ हैज बीन एक्टिंग स्ट्रेंज वो एक अजीब व्यवहार घर पर दिखा रही है और उसको लाए हैं वो हॉस्पिटल के अंदर कम्युनिटी मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में तो ऑप्शन नंबर वन आई क्राई ऑल द टाइम आई एम सो डिप्रेस्ड कि हमेशा मैं रोती रहती हूँ जब मैं डिप्रेस्ड होती हूँ क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस हूँ इसलिए मैं हमेशा रोती रहती हूँ आई वुड लाइक टू एंड इट ऑल विद स्लीपिंग पिल्स मैं इस जीवन को ख़त्म करना चाहती हूँ विद स्लीपिंग पिल्स गोलियाँ खाकर दॉइसेस से इट ओके फॉर मी टू किल ऑल द प्रोस्टिट्यूट सभी प्रोस्टिट्यूट्स को किल करने की वॉइस बोलती हैं कि यह ठीक है ये फाइन है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है माई बॉस हमेशा मुझे पिकिंग करता है चिढ़ाता है या मुझे डांटता है और इट मेक्स मी एंग्री ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है बहुत आसान हो गया अब आपके लिए मैं आपको लास्ट टेन सेकेंड दे रहा हूं अभी भी आपने आंसर सेलेक्ट नहीं किया हो तो नाइन एट सेवन थ्री वन जीरो स्टार्ट आई क्राई ऑल द टाइम आई एम सो डिप्रेस ना तो सेल्फ हार्म है इसमें कहीं क्लाइंट डिप्रेस्ड है बट सेल्फ हार्म वाली कोई फीलिंग नहीं है ये हमारा आंसर नहीं है इन साइड प्रेजेंट आई वुड लाइक टू एंड इट मैं मेरे जीवन को खत्म करना चाहती हूं विद स्लीपिंग पिल्स सेल्फ हार्म सुसाइडल थ्री, सुसाइडल थ्री या क्या बोला मैंने अभी सेल्फ हार्म वाली फीलिंग है इसमें इनवॉलेंट्री एडमिशन होगा वॉइसेज से आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है वॉइसेज से क्या हो रहा है ये क्लाइंट को हेलूसिनेशन हो रहे हैं वॉइस आ रही है आवाजें आ रही हैं कि इट्स फाइन टू किल क्रिमिनल्स प्रॉस्टिट्यूट एंड ऑल फैमिली मेंबर्स एटसेट्रा एटसेट्रा हेलूसिनेशन इन वॉलेंट्री हॉस्पिटलाइजेशन माई बॉस इज ऑलवेज पिकिंग ऑन मी एंगर क्लाइंट क्या शो कर रहा है यहां एंगर कोई प्रॉब्लम नहीं है वो गुस्सा है अपने बॉस के बिहेवियर से वो एंगर शो कर रहा है इसमें कोई इनवॉलेंट्री हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है काउंसलिंग के थ्रू भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं राइट आंसर बी एंड सी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अ नाइस डे एंड गुड लक